दोस्तों, प्यार करने और खुश रहने के लिए मूड का रोमांटिक होना जरूरी माना जाता है। यही कारण है कि पति या प्रेमी अपने पत्नी या प्रेमिका को खुश और रोमांटिक करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। लेकिन किसी भी रिश्ते में लंबे समय तक रहने के बाद या शादी के कई वर्ष बीतने के बाद एक समय ऐसा आता है जब रिश्तों में रोमांस गायब होने लगता है और जीवन में एक निराशा आने लगती है। प्रेमी तो अपने प्रेमिका को लाल गुलाब, चॉकलेट और नई ड्रेस दिलाकर उसका रोमांटिक बना देता है, लेकिन पति के लिए यह सोचना मुश्किल होता है कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि उसकी पत्नी हमेशा खुश और रोमांटिक मूड में रहे। यदि आप भी इस उलझन में हैं तो आइए हम आपको इस वीडियो में आपको पत्नी को रोमांटिक बनाने के बेहतरीन तरीकों के बारे में बताते हैं। तो इसमें सबसे पहला टिप आता है कि महिला को रोमांटिक करने के लिए बताएं कि आप उसके बारे में कितना सोचते हैं। जब आप काफ़ी समय तक घर से बाहर हो या फिर दिन भर ऑफिस के बाद शाम को घर लौटे, तो आप अपनी पत्नी या पार्टनर को बताएं कि आपने आज उसे पूरे दिन याद किया। जब आप लंच कर रहे थे तो उसके हाथ के बने पराठे खाते समय आपको ऐसा महसूस हुआ कि काश इस समय तुम साथ होती। आप उम्मीद नहीं करेंगे कि आपके प्यार भरी इन बातों को सुनकर आपकी पत्नी कितनी रोमांटिक हो जाएगी और आप पर अपना प्यार लुटाने लगेगी। रोमांटिक बनाने के लिए आप उसे सरप्राइज दें। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी या आपकी पार्टनर किसी वजह से उदास रहती है और आप उसके मूड को रोमांटिक बनाना चाहते हैं, तो आप शाम को घर लौटते समय उसके लिए लाल गुलाब और चॉकलेट ले आएं और उसकी आंखें बंद करके धीरे से उसके हाथों में थमा दें। आपके पार्टनर का मूड रोमांटिक होते एक क्षण भी नहीं लगेगा। इसके अलावा आप रात के खाने के लिए उसे बिना बताए बाहर ले जाकर भी सरप्राइज़ दे सकते हैं। पति द्वारा इस तरह की सरप्राइज़ मिलने पर ज़्यादातर महिलाएं रोमांटिक हो जाती हैं। और इसमें तीसरा टिप आता है कि महिलाओं को रोमांटिक करने के लिए दिल से तारीफ़ करें। वैसे तो आप अपनी पत्नी या पार्टनर से हमेशा बातें करते होंगे, लेकिन उसे रोमांटिक मूड में लाने के लिए आपको कुछ अनोखा तरीका सोचना चाहिए। पत्नी को रोमांटिक बनाने के लिए जब बारिश हो या फिर ठंडी हवा चले या फिर मौसम सुहाना हो, तो उसे खिड़की के पास ले जाएं और उसके माथे से बालों को हटाते हुए अपने जीवन में उसकी अहमियत बताएं। उसके हाथों और माथे को चूमें, उसे प्यार करें और बताएं, तुम्हारे बिना मैं अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आपकी सभी बातें वास्तविक होनी चाहिए और दिल से कही जानी चाहिए। इससे आपकी पत्नी पल भर में ही रोमांटिक हो जाएगी और आपको बाहों में भर लेगी। और इसमें अगला टिप ये आता है कि पत्नी को रोमांटिक करने के लिए सेक्स की इच्छा जाहिर किए बिना ही प्यार करें। ज़्यादातर महिलाएं ये मानती है कि सिर्फ संबंध बनाने के लिए ही उनके पति उनको रोमांटिक मूड में लाने की कोशिश करते हैं। महिलाओं की इस धारणा को तोड़ने के लिए आप अपनी पत्नी को कभी कभी इस तरह से भी प्यार करें कि उसे यह न लगे कि आप उसे संबंध बनाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए रोमांटिक मूड में ला रहे हैं। कमरे की लाइट बंद करके पत्नी के साथ छेड़छाड़ करें और उसके साथ अंतरंग बातें यानी कि इंटीमेट कन्वर्सेशन करें। उसे रोमांटिक करने के लिए उसके बदन पर उंगलियां फेरें और उसके करीब आएं, उसकी सांसों को महसूस करें। पत्नी को रोमांटिक मूड में लाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। पत्नी का मूड रोमांटिक बनाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। यदि आप भी अपनी पत्नी को रोमांटिक मूड में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने हाथों से कार्ड बनाएं। किसी विशेष अवसर पर वह कार्ड अपनी पत्नी को दे। इसके अलावा आप चाहे तो अपनी और उसकी किसी यादगार लम्हे की पुरानी फ़ोटो इकट्ठी करके उसे गिफ्ट कर सकते हैं। यह देखकर आपकी पत्नी रोमांच से भर उठेगी और आपको गले से लगा लेगी। कुछ पति अपनी पत्नी के हाथों पर अपनी पसंद की मेहंदी का डिज़ाइन बनाकर भी उन्हें रोमांटिक करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो यह भी तरीका अपना सकते हैं। पत्नी को रोमांटिक करने के लिए उसके लिए खाना बनाएं। यदि आप अपनी पत्नी के लिए रात का खाना तैयार करते हैं, तो यह उसके रोमांटिक मूड में लाने का सबसे बेहतर उपाय हो सकता है। ज़्यादातर पति मानते हैं कि खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम है
और वे घर के कामों में पत्नी का हाथ नहीं बटाते हैं। ऐसे में पत्नी को पति से कभी भी यह उम्मीद नहीं रहती है कि उसका पति उसके लिए खाना भी बना सकता है। ऐसे में यदि किसी रात आप अपने हाथों से अपनी पत्नी के लिए उसकी पसंद का खाना बनाकर डिनर टेबल पर लगाते हैं तो बेशक आपकी पत्नी को रोमांटिक होने में तनिक भी देर नहीं लगेगा और सीधे डिनर टेबल से आपके बेडरूम में चली जाएगी। और इसमें अगला टिप आता है कि वाइफ को रोमांटिक मूड में लाने के लिए उसका मसाज करें। आमतौर पर पति की सेवा करना महिलाओं का काम माना जाता है और बदले में पति से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की जाती है। ऐसे में यदि आप अपनी पत्नी को रोमांटिक मूड में लाने के लिए यदि उसका सिर दबा देते हैं या फिर उसके शरीर का मसाज कर देते हैं तो यह उसके लिए यह सुखद और आश्चर्य से भर देने वाला आनंद होगा। वह थोड़ा इमोशनल भी हो सकती है क्योंकि उसे यह लग सकता है कि उसका पति भी उसके सुख दुख की परवाह करता है। पत्नी को रोमांटिक करने के लिए इससे अचूक तरीका कुछ और हो ही नहीं सकता। और इसमें नेक्स्ट टिप आता है कि पत्नी के साथ अकेले में समय बिता कर करें रोमांटिक। कभी कभी पत्नी को साथ लेकर घूमने जाने से भी वह रोमांटिक हो जाती है। ज़्यादातर पति अपनी पत्नी को अधिक समय नहीं दे पाते हैं, ऐसे में उन्हें घुमाने ले जाने की बात तो संभव ही नहीं हो पाती है। ऐसे में यदि आप दोनों घूमने जाएंगे और दुनिया भर की परेशानियों को भूलकर अकेले में कुछ वक्त बिताएंगे तो कुछ देर के लिए एक दूसरे से गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा और भविष्य की प्लानिंग करने का भी एक मौका मिलेगा। इसके अलावा अपनी पत्नी को रोमांटिक मूड में लाने के लिए आप चाहे तो उसे सिनेमा दिखाने भी ले जा सकते हैं, खाली समय में लॉन्ग ड्राइव पर भी ले जा सकते हैं। इससे पत्नी का मूड रोमांटिक हो जाएगा। पत्नी का मूड रोमांटिक बनाने के लिए पत्नी पर प्यार लुटाकर करें उसे रोमांटिक। ज़्यादातर महिलाएं अपने पति के प्यार से वंचित रहती है, ऐसे में उन्हें रोमांटिक होने का कोई अवसर ही नहीं मिल पाता है। यदि आपको लगता है कि आप भी एक ऐसे ही पति हैं जो अपनी पत्नी को उतना प्यार नहीं दे पाते हैं जिसकी वह हकदार है तो आपको कैसे भी समय निकालकर उसे खूब प्यार करना चाहिए। उसकी छोटी और बड़ी बातों पर सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। जब आप अपनी व्यस्तता के बीच से समय चुराकर अपनी पत्नी को प्यार करेंगे तो आखिर भला कौन सी पत्नी रोमांटिक मूड में नहीं होगी। तो दोस्तों, किस करना प्यार जताने का एक तरीका होता है। किस करने के अलग अलग तरीके होते हैं और हर एक तरीके को अपना एक अलग मतलब और अपना एक अलग मज़ा होता है। किस करने के तरीके से अपनी आपकी भावनाओं का पता चलता है, जैसे कि सिर पर किस करने से आप व्यक्ति को सुरक्षा का भाव महसूस करवाना चाहते हैं, वहीं लिविंग पार्टनर के होठों पर किस करते हैं। दोस्त, माता पिता, पार्टनर्स आदि हर रिश्ते में किस करने का एक अलग ही तरीका होता है। अगर पार्टनर किस करने का मजा लेना चाहते हैं तो वो अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।